करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति पुष्मांदेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिताः। आप नव दुर्गा की पूजा करते हैं, पहला दिन शैलपुत्री माता का, तो आपके घर में जो बच्चे का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, पहले वर्ष की जो बच्ची होती है वो शैलपुत्री होती है। आप नवरात्र बड़े ठाट बाट से करते हो, वही बच्ची शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती है और आप उस बच्चे को कोख में ही मार देते हो, भ्रूण हत्या जैसे पाप कर रहे हैं, जाकर के लिंग जांच करवाए क्या है, लड़की है, मार दो। आपने उस शैलपुत्री का वध कोख में ही कर दिया और इधर ढोंग आडंबर करते हो कि हम दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं, तो वो आपकी पूजा निष्फल हो गई। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जब वो आपकी बच्ची बड़ी हो जाती है, ब्रह्म को धारण करती है, जब उसे प्रेम से नहलाते हो, बच्चे को श्रृंगार कराते हो, बच्चे का बिंदी लगाते हो, गजरा करते हो छोटे बच्चे को, तो वो ब्रह्मचारी का स्वरूप होता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति, जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है, विद्यालय जाती है पढ़ने के लिए, चंद्र घंटा का स्वरूप हो जाता है, और कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांडा, कुष्मांड का अर्थ एक बतुआ भी को कुष्मांड कहते हैं, और कुष्मांडा देवी जब वो गर्भ धारण करती है, अपने बच्चे को 9 माह तक अपने कोख में रखती है, तो वो कुष्मांडा का स्वरूप हो जाती है। कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंद मातेति, और वही बच्ची जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो स्कंद माता हो जाती है, वो जननी हो जाती है। पंचमं स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी नीति च, और छठा अवतार कात्यायनी का हो जाता है, उस बच्चे को पालती है, अपना स्तन पान कराती है, वो तुम्हारे घर की ही पुत्री वो कात्यायनी रूप में हो जाती है। सप्तमं कालरात्रि च, और जब यह संसार जो है उस नारी पर अत्याचार करता है, दुराचार करता है, तो वो नारी विकराल रूप धारण करती है, तो वह न बाप के कुल को पहचानेगी, न ससुर के कुल को पहचानेगी। नारी, वही नारी जब विकराल रूप धारण करती है तो रणचंडी का रूप धारण कर लेती है, वो सप्तमम कालरात्रि, कालरात्रि का स्वरूप हो जाता है। वहां कहते हैं कि यह किसी को नहीं पहचान रही है वो नारी। यत्र नार्यस्तु, कल कथा हो रही थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और महागौरी की चाष्टमम, 8वां स्वरूप महागौरी का है, जब पूरे परिवार को मिला जुला करके चलती है तो महागौरी हो जाती है, और जब वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो जाती है वही आपके घर की पुत्री ससुराल में, तो नवमम सिद्धिदात्री च, अपनी बेटा को, बहू को, अपने ससुर को, अपने पति को, सबको मिला जुला के, भाई परिवार को मिला करके चलती है, तो नौवां रूप सिद्धिदात्री का हो जाता है। ये नव दुर्गा का स्वरूप है। आप अपने घर में ही इस नव दुर्गा को अगर मानते हो तो तुम्हें नवरात्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन नव स्वरूप को आप पहचानिए। आपके घर में आपकी पुत्री जन्म से लेकर के वृद्धा अवस्था तक प्राप्त करती है और वो नव दुर्गा के रूप में आती है। हम क्या करते हैं, लिंग जांच करवाते हैं, लड़की है तो मार दो, वही बच्ची बड़ी हो जाती है, कितना प्रेम भाव से आप उसके पालते हो,
ससुराल विदा करते हो, जरा सा उसे अगर तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ पहुंचती है कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। और आपके घर किसी की बेटी आ जाती है तो लात घूसा शुरू हो जाता है, वो दूसरे घर की बेटी, आपके घर की बेटी नहीं है, उसके प्रति भी आपको बेटी का व्यवहार करना होगा, वह भी किसी की बेटी है। तो ये नव दुर्गा का स्वरूप आप समझ ली है तभी आपका नवरात्र सार्थक होगा, नहीं तो समझ लो कि ये केवल आपका आडंबर है। मैया हर स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती है कि भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी बता गई रे का आड़म दीदी बता गई रे।